हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा, और ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिमिनल ट्रायल फेस कर रहे हैं और उनके केसेस में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं चार्जशीट्स की, तो मेरे ऑफिस में भी रिसेंटली एक केस आया जहां पर 17 साल बाद चार्जशीट फाइल हो रही है। अक्यूज को पता भी नहीं था कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। पहले उसको बेल मिली थी, उसके बाद ना कोई समन्स आया ना कोई डेट पड़ी, एंड अचानक से एक चार्जशीट फाइल हुई उस केस के अंदर, और फिर उसको समन्स आ रहे हैं कोर्ट से कि आप आके ट्रायल ज्वाइन करिए। ऐसे केसेस में आप इमिजिएटली क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट इन केसेस को क्वैश भी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की भी एक रिसेंट अभी जजमेंट आई थी जिसके ऊपर 10 साल का डिले था चार्जशीट फाइल होने में, और वो अनएक्सप्लेन डिले था। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। जनरल रूल ये कहता है कि अगर कोई केस मजिस्ट्रेट के आगे है तो वहां पर 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी है, और अगर कोई केस सेशन कोर्ट के पास है तो वहां पर 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी है। बट जब आपके केसेस इतने प्रोलॉन्ग हो गए हैं, 10 साल, 15 साल, 17 साल, इतने टाइम बाद आपकी चार्जशीट फाइल हो रही है, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि आपको इतना टाइम क्यों लगा करने में, उन केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक गाइडलाइन दी कि आप उन केसेस को क्वैश कर सकते हैं, उन केसेस को तुरंत खत्म करा जा सकता है। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट की भी पुरानी जजमेंट थी, उसी जजमेंट के बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें भी इनऑर्डिनेट डिले के ऊपर बात करी गई थी कि अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इनऑर्डिनेट डिले है तो दैट इन्वेस्टिगेशन इज लायबल टू बी क्वैश्ड। थैंक यू।